जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि पूरे विश्व में इस प्रकार की शराब नीति कहीं नहीं होगी, राजस्व आगे बढ़ेगा, हम माला माल हो जाएंगे। पहली बार पूरे विश्व में ऐसा हुआ कि बोतलें तो ज्यादा बिकी, पैसा कम आया। ऐसा आप बताइए दुनिया में कहीं आपने सुना है शराब की बोतल ज्यादा बिके और पैसा और राजस्व कम आए? ऐसा पूरे विश्व में कहीं नहीं होता है, यह पहली बार पूरे विश्व में ऐसा हुआ। बंधुगण, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ सवाल बार बार पूछे थे, आज दोबारा ये सवाल शराब नीति को लेकर, संजय सिंह को लेकर, मनीष सिसोदिया को लेकर मैं दोबारा पूछता हूं, क्योंकि संजय सिंह भी गिरफ्तार हुए। आपने पहली बार ऐसा हुआ दिल्ली में, और क्यों किया ऐसे कि कानूनी सलाह के बावजूद आपको एक्साइज डिपार्टमेंट ने कानूनी सलाह दिया था कि आप अपने पुराने शराब नीति को मत बदलिए, उसके बावजूद आपने पुराने शराब नीति को बदला, क्या कारण था आपने बदला? क्या कारण था कि मैन्युफैक्चरर के हाथ में रिटेल देना यह गैर कानूनी है, मगर आपने मैन्युफैक्चरर के हाथ में रिटेल दिया? क्या कानून था कि पहली बार हिंदुस्तान के किसी राज्य में ऐसा हुआ कि पहले शराब पे कमीशन 6% का होता, 2% का होता था, माफ कीजिएगा, पहले 2% का कमीशन होता था, उसे बढ़ा करके 12% का कमीशन किया गया और उसमें से राउंड ट्रिपिंग करके 6% आम आदमी पार्टी के ट्रेजरी में जाती थी, आम आदमी पार्टी कमाती थी। आप बताइए 2% से 12% बढ़ाने का काम, शराब नीति में कमीशन बढ़ाने का काम कारोबारियों का, प्राइवेट इंडिविजुअल्स का, ताकि ये पैसा आम आदमी तक पहुंचे, इसके पीछे मनीष सिसोदिया और संजय सिंह थे। इसलिए बेधड़क कानून अपना काम करेगी, और जो लोग जनता के पैसा को शराब के माध्यम से लूटने का काम कर रहे थे उनको छोड़ा नहीं जाएगा। क्या कारण था कि 145 करोड़ रुपया ये शराब कारोबारियों का माफ किया गया, वह भी बिना किसी कैबिनेट के नोट के, बिना कैबिनेट के मंजूरी के 145 करोड़ रुपए शराब कारोबारियों का माफ किया गया? किसने इजाजत दी? अगर संजय सिंह जी और मनीष सिसोदिया इसमें रिस्पॉन्सिबल है तो क्या कानून उनको छोड़ देगी, या कानून का हाथ इनके गिरेबान तक पहुंचना चाहिए? एयरपोर्ट जोन में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने शराब के ठेके खोलने को मना कर दिया, उसके बाद 30 करोड़ रुपए एयरपोर्ट जोन के जो लाइसेंस होल्डर थे शराब की दुकानों की, उनको आपने वापस कर दिया, जबकि ये पैसा जब्त होना चाहिए था। ये 30 करोड़ रुपए जनता का आपने वापस क्यों किया अपने मित्रों को, इसका जवाब संजय सिंह दे। संजय सिंह जी से हम यह भी पूछना चाहते हैं कि आप बताइए आखिर क्या कारण था कि बिना किसी ठीक ठाक तरीके से रिसर्च किए हुए जिस शराब नीति को आप लेकर आए थे, अंततो गत्वा आपको यह शराब नीति वापस लेनी पड़ी। क्यों वापस लेनी पड़ी ये शराब नीति? अगर ये एक्साइज पॉलिसी ठीक थी तो इसे वापस लेनी क्यों पड़ी? आप यहां वहां की बातें करते हैं अरविंद केजरीवाल जी, मगर आप काम की बात कोई नहीं करते। आज आप बताइए अगर आपने काम की बात की होती, कोर्ट में जाकर आपने सही आंकड़े रखे होते, तो आपके डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया क्या आज तक जेल के अंदर होते? आप बताइए, आप तो कहते हैं कि मैं मनीष सिसोदिया जी को विश्व का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री मानता था, मेरे करीबी मित्र हैं। जब मनीष सिसोदिया जी गिरफ्तार हुए थे तो आप उनके घर चले गए थे, जैसे आज संजय सिंह के घर गए, आप इनके घर चले गए, सब कुछ आपने किया, मगर कोर्ट में आपके पास अगर तथ्य होता तो पेश करते, तो आज सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया बाहर होते बेल पे, कोर्ट के अंदर नहीं होते, कोर्ट के अंदर वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं ले रहे होते। जब भी कोई आम आदमी पार्टी से चाहे राशन कार्ड बनाने के लिए पकड़ा गया हो, चाहे फर्जी डिग्री के लिए पकड़ा गया हो, चाहे भ्रष्टाचार में पकड़ा गया हो, हमेशा उन मंत्रियों के साथ अरविंद केजरीवाल पहले तो खड़े होते हैं, उसके बाद टाइम टाइम फिस हो जाता है, उसके बाद वो एक दिन नजर नहीं आते हैं। संजय सिंह जी के साथ भी यही होने वाला है, संजय सिंह जी के साथ भी यही होने वाला है। औपचारिकता निभा दी, उनके घर पे जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब मुड़ के देखने वाले नहीं है। और याद करिए, कल अरविंद केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे पीएम बौखला गए, प्राइम मिनिस्टर डर गए,
अरे संजय सिंह जी, ये शेर आया ये हर दिन नहीं चलता है कहानी। जब गुजरात के चुनाव थे, गुजरात के चुनाव के समय मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हुई थी, आप ही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो गई 6% वोट बढ़ जाएगा, आम आदमी पार्टी जीत जाएगी। आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ गुजरात में सरकार बना रही है, इसलिए मोदी जी डर गए, जमानत जब्त हुई। फ्रॉम ब्रेकिंग न्यूज, डिटेल्ड एनालिसिस, इन डेप्थ इंटरव्यूज एंड एक्सप्लेनर्स, फॉलो द टाइम्स ऑफ इंडिया, सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर वीडियोस एंड हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट।